वो बात सबसे हमारा अफसर यही है जो बैलेंस होके फिर आगे बहुत मेहरबानी यहाँ पर अल्लाह की मर्जी के कर आदमी है वो भी छोड़ के आगो वाला कैंची को उठा भी नहीं सकते बाकी सामान उठा भाई आप उसका कैंची बंदे लगाओ भाई वो तो है इसे तो डैमेज नहीं है ना ये दोनों डैमेज हैं मैं वही बोल रहा हूँ चलो हो गया तू हो रहा है चलो हो गया अच्छा ये ये सर 17 तारीख से ये शुरू है ये किस्सा। पहले तो इसमें चार घर आ गए थे एट अ टाइम, इसमें चार घर आ गए थे, फिर कल इसमें 9 घर और आ गए, ये टोटल हुए थे 13 घर। ये जो सामान शमान इन पहलों का निकाला हुआ था वो ऐसे बाहर पड़ा है, गवर्नमेंट ने दिए हैं टेंट दिए हैं, कमल दिए हैं, 5-5 कमल और बर्तन दिए हैं, तो जगह ही नहीं रही लगाने के लिए, टेंट कहाँ लगाएंगे जहाँ हमें वो हमारे पास माल है इस वक्त 3-3, 4-4 भैंसे रखी हैं, गाय रखी है, भेड़ बकरी है, उनको लेके कहाँ जाएंगे। हमें जगह दे दे गवर्नमेंट जहाँ हमारा माल भी रह सके, हमारे बाल बच्चे भी रह सके और हम भी रह सके, सेफ जगह दिया जाए जहाँ हमारी गवर्नमेंट ये हफाजत, गवर्नमेंट हफाजत करेगी हमारी, हम कहाँ जाएंगे इस वक्त, हम खाना बदोश हो रहे हैं।
नमस्कार सर, मेरा नाम अब्दुल गनी पाछू है, सनाब अब्दुल सर पाछू। सर मैं डुगसर का रहने वाला हूँ और तहसील गोल का दलवा सगलदान अपर बढ़ता है सर, ये एरिया डुगसर इसका नाम है यहाँ पे सर। इसका के यहाँ पर जो है 17 तारीख रात को 5 बजे यहाँ पर थोड़ा बहुत मतलब सकरेज इन मकानों में आया, जिसकी वजह से जमीन धसने की वजह से फिर उसी दिन में सुबह हमारे आगे पीछे जो लोग थे गांव के वो हमारे पास हेल्प के तौर पर आए और माल मवेशी बाहर निकाला, और बच्चों को बाहर निकालने के बाद फिर जो है अब उसके बाद हमारा पहले दिन 4 मकान चले गए, उसके बाद कल की डेट में 9 मकान चले गए जो टोटली मतलब लॉस हुए। अभी क्रैक और जो हुए सारे टोटल कल शाम तक 13 मकान थे और जमीन ज्यादा से ज्यादा जा रहा है। इसमें हमारे 3-3 मंजिल मकान बचपन से आज तक जो भी हमारी बचत कुंजी जो बनाया था वो सारा उजड़ गया। हम मजदूरी करने वाले हैं इस एरिया में, 3-4 किलोमीटर एरिया में एक भी मुलाजिम गवर्नमेंट नहीं है, सारे मजदूर शखजे और जिम्मेदार शखजे, बाकी कोई हमारे पास रास्ता। दिन को दिहाड़ी से रोड में काम पर चले जाते थे और शाम को रोटियां खाते थे और घर में बैठ गए। अब उस चीज से भी हम यहाँ चले गए। अब हमारा यही रिक्वेस्ट है इंतजामिया से, गवर्नर इंतजामिया से, कि हमें कहीं बसने का रास्ता, कहीं रहने की जगह दीजिए। और प्लस ये रोड रामन से गोल हाईवे जो मोहर होते हुए पुनश्वरी रोड जाता है, ये पूरा डैमेज होके है, जिसमें मतलब हजारों घर इसमें रहने वाले, आगे गांव हजारों घरों गांव जो बसने वाले हैं सब यहां से कट हो गया पूरा इलाका। इसलिए हमारे इंतजाम से रिक्वेस्ट रहे कि हमारे किसी न किसी तरीके से हमें दाद दे, लेकिन उसके साथ खड़ा रहे, हमें हौसला मिला मकान खाली करने को, सामान खाली कर, इस बात से हम बिल्कुल शुक्रगुजार है इंतजामिया से कि उन लोगों ने हमारे को जो है सपोर्ट किया। ये ऐसा है, परसों सुबह हमें मैसेज आई कि ये वाला डुगसर जो है यहाँ दलवा संगलदान का एरिया, यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हो रही है, जिसकी वजह से 2-3 फैमिलीज इफ़ेक्टेड उसमें आ रही हैं, उसकी जद में आ रही हैं। तो परसों शाम तक तो सिर्फ 4 फैमिलीज जो थी वो इसके डैमेज एरिया में आती थी, और हमने उनको परसों शाम को ही नियर बाई टेंटेज में उनको शिफ्ट किया हुआ था, जहाँ पर सेफली वो रह सकें। तो कल सुबह से फिर ये स्लाइडिंग में और थोड़ा इंक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से कल शाम तक 5 मकान जो पूरे डैमेज हो चुके थे, लेकिन आज सुबह से फिर स्लाइडिंग हुई और अभी तक टोटल 13 मकान जो हैं वो या तो डैमेज हो चुके हैं या इन 100% डेंजर हैं। तो हमने टोटल 13 फैमिलीज़ को सेफर प्लेसेस पे शिफ्ट किया हुआ है, उनके लिए टेंटेज, उनके लिए हमने यूटेंसिल्स जो खाने पकाने के सामान होते हैं और बाल्टियाँ, उसके साथ कंबल, हर फैमिली को 5-5 कंबल रेड क्रॉस से हमने दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और इसके अलावा जितने भी मकानात डैमेज हो गए हैं, जिनको पूरा नुकसान पहुँचा हुआ है, उनके केसेस जो हैं अंडर SDRF कंप्लीट हैं, वो विदिन 1 वीक इनको पैसा वागजार किया जाएगा। इसके साथ साथ गूल रामबन शाहरा को भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, जी इसके हवाले से क्या अल्टरनेट बनाया है? हाँ, ये वाला पैच जो है जो संगलदान को गोल के साथ कनेक्ट करता है, और बीइंग ए स्ट्रेटेजिक रूट फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, इसके लिए हमने एक अल्टरनेट लिंक जो ऑलरेडी मोटरेबल है वाया सलबला दाड़म सलबला रोड, वो गोल तक हम मोटरेबल कर देंगे। हमने जो ग्रिफ के जो यहाँ पर ज़िम्मेदार हजरात हैं उनको इंस्ट्रक्शंस गई हैं कि वो मशीनरी जो है रिक्वायर्ड मशीनरी उस रोड पे लगा दें और उसको पब्लिक और डिफेंस पर्पज़ के लिए मोटरेबल कर दें थ्रू आउट। आगे का लाए अमल क्या है? इलाके में नकल मकानी करने पर कहीं ना कहीं दर्जन के करीब खानदान इस वक्त पहुंच चुके हैं, तहम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात की जाए या फिर वजूहात क्या है सिंक की? हाँ, वजूहात जो हैं रीजन जियोलॉजिस्ट से डिटरमिन कर पाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि बाई टमारो और डे आफ्टर टमारो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जियोलॉजिस्ट जो हैं वो विज़िट करेंगे यहाँ पर, और इसका रीज़न हम देखें कि व्हाट रीजंस मेड द लैंड स्लाइड इन दिस एरिया और इस तरह का डैमेज हो गया, तो हम उसको पूरा स्टडी करके ही वहां पर किसी को फर्दर। तारीख को हमारे SDM साहब ने रिपोर्ट की, उनको फील्ड रिपोर्ट जब मिली कि दुखसर इलाके में सिंकिंग हैज़ बीन रिपोर्टेड। इनिशियली इसमें पहले 4 फैमिलीज इम्पैक्ट हुई थी और उन्हें हमने सेफर जोन्स में रिलोकेट किया था। यस्टरडे फर्दर सिंकिंग वाज नोटिस्ड, और उसके बाद जो बाकी भी फैमिलीज थी, कोई 9 फैमिलीज़,
वो हमने शिफ्ट कर दी। आज मैं स्पॉट पे खुद आया हूँ एंड आई हैव बीन अपडेटेड कि टू मोर फैमिलीज जो हैं वो इसमें इम्पैक्ट हुई हैं। अभी हमारे पास 15 फैमिलीज जो हैं वो हमने रिलोकेट की हुई हैं। अंडर दी रेड क्रॉस फंड हमने जो है टेंट्स, यूटेंसिल्स, ब्लैंकेट्स, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, वो इनको प्रोवाइड करके सेफर जोन्स में लिया है। इनके जो रिलीफ केसेस हैं उसके लिए मैंने डायरेक्शंस दी हैं कि आप इमीडिएटली जो है वो रिलीफ केसेस जो है वो प्रोसेस करें, ताकि एटलीस्ट वन रूम बेस्ड जो प्रीफैब स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाएं, ताकि हम इन्हें टेंट से उनमें शिफ्ट करें टिल परमानेंट रिहैबिलिटेशन जो हम वो करेंगे। मैं यहाँ से आ रहा था तो आई कुड सी कि थोड़ा थोड़ा जो है वो स्टोन मूवमेंट है, विच मीन्स दैट इट इज़ स्टिल स्लाइटली एक्टिव। सो वंस द सिंकिंग जोन जो है वो सबसाइड हो जाएगा, ऑन वॉ फुटिंग बेसिस हम इस रोड को जो है, ये ग्रिफ का डिफेंस का रोड है और मैं श्योर करता हूँ कि इसको जल्दी हम रिस्टोर करेंगे। टिल दैट टाइम हम एक अल्टरनेट हमारा धाड़म सलबला रोड है जो गूगल के साथ कनेक्ट होता है, वहाँ से हमारी गाड़ियाँ जा रही हैं। अराउंड 500 मीटर्स हैज़ बीन इम्पैक्टेड, यू नो, अपडेटेड विद द डिविजनल कमिश्नर सर। दे हैव प्रॉमिस्ड कि आज या कल अर्ली मॉर्निंग में हमारी जो है जियोलॉजिकल जो टीम है ईदर फ्रॉम IIT जम्मू और फ्रॉम जियोलॉजिकल एंड माइनिंग डिपार्टमेंट आएगी। इन द मीन टाइम मैंने रेलवेज वालों को भी लिखा है बिकॉज दे हैव ऑल्सो द रिक्विजिट एक्सपर्टाइज, वो आके देखेंगे कि एक्टिविटी क्या, बट इट लुक्स टू बी जियोलॉजिकल इवेंट्स होते रहते हैं। वी आर इन ए जोन विच इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट यंगेस्ट माउंटेंस। हमने 33 KV लाइन बंद कर दी है इस वक्त।